अब इस पर हम लगाने वाले हैं ये फैट बॉय का, बहुत हैवी है भाई, वो तो बहुत हल्का लग रहा था इसके आगे। तो हम आए हैं अपना फैट बॉय कस्टम पे और आज अपनी बाइक में हम करवाने वाले हैं अपना हैंडल बार का चेंज। हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी बाइक की। और इस बाइक को मैं आया हूं लेके गुड़गांव में फैट बॉय कस्टम, जिनका नया नाम हो गया है अब मोटोरीज पिस्टन्स, और एक काफ़ी बड़ा गैराज बना लिए हैं। पहले काफ़ी छोटा था, जब मैं डोमिनार लेके आया था वहाँ पे मैंने अपना हैंडल बार को चेंज कराया था, कस्टमाइज कराया था, तो उसी हैंडल बार को हम अपनी केटीएम में अपना कस्टमाइज कराने आए हैं। तो इससे क्या होता है कि अपना पोस्चर थोड़ा उड़ जाएगा, और जैसे सैडलिंग करता हूँ खड़ा होकर बाइक चलाऊँगा तो उसमें मुझे काफ़ी बढ़िया स्टांस मिलेगा, क्योंकि अभी तो मुझे काफ़ी झुकना पड़ता है खड़े होकर चलाने में, सैडलिंग करने में। और जब ये हैंडल बार लग जाएगा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी मेरे स्टैंडिंग पोजीशन में बाइक चलाने में। तो चलते हैं अपने गैराज में, वहाँ देखते हैं कि क्या काम चल रहा है। पहले सबसे पहले स्टॉक हैंडल हटाया जाएगा और उसके बाद अपना जो फैट बॉय कस्टम्स का हैंडल है उसको लगाया जाएगा। इसमें तो मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारा फैट बॉय का हैंडल बार जिसको हम फिट करने वाले हैं अपने स्टॉक हैंडल बार। तो ये राम भाई हैं जो लास्ट टाइम डोमिनार का मेरा हैंडल बार कस्टमाइज किया था, चेंज किया था, मॉडिफाई किया था। तो आज हमारी केटीएम का भी ये अपना हैंडल बार मॉडिफाई कर रहे हैं फैट बॉय कस्टम से। और सबसे पहले ये सारा तामझाम जितना भी लगा हुआ है हमारे जो स्टॉक हैंडल बार पे सब उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना नया हैंडल इस पर लगेगा। और इसमें हाइट देख लीजिए अभी कितनी हाइट है इसकी, ये इतनी सी हाइट है इस पर, और ये हाइट इसकी बढ़ जाएगी फिर। तो हमें इसका जो हैंडल बार राइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये हमारा स्टॉक हैंडल बार उतार लिया है, ये देखिए हमारी बाइक बिना हैंडल बार के। और अब इस पर हम लगाने वाले हैं ये फैट बॉय का, बहुत हैवी है भाई, वो तो बहुत हल्का लग रहा था इसके आगे। तो ये है फैट बॉय कस्टम्स का हैंडल बार जो अब हम फिट कराने वाले हैं। तो हमारी बाइक का काम चल रहा है, तो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि बीच से जो हमारा हैंडल बार होता है वो 26 mm का होता है और साइडों से 22 mm का होता है, ये डबल साइज आता है हमारा हैंडल बार। और अभी जो मैं लगवा रहा हूँ फैट बॉय कस्टम्स का वो है 22.2 mm का, पूरा सेम साइज़ है पूरा, जबकि जो KTM बनाती है वो बीच में 26 mm और साइडों से 22.2 mm। तो ये अभी डिफरेंस बताया, अभी देखते हैं इसमें क्या फिटिंग सही आती है नहीं आती, मैं देखता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत होएगी तो वापस हम अपना उसी हैंडल बार को, अपना स्टॉक हैंडल बार को लगवा लेंगे, कोई नहीं। तो गाइस क्लच वायर को चेंज किया जा रहा है, जो अपना क्लासिक की क्लच वायर है और हमारी KTM की क्लच वायर को निकाल दिया गया है, क्योंकि इसका साइज़ जो क्लासिक का साइज़ है वो बड़ा होता है हमारी जो क्लच वायर से, और हमारा जो हैंडल बार राइज हो गया है उसमें वो छोटी पड़ रही है क्लच वायर, तो ये क्लच वायर चेंज किया जा रहा है। इसके अलावा और कोई पार्ट चेंज नहीं किया गया। तो गाइस फाइनली हमने अपनी बाइक में जो हैंडल बार फिट करवा लिया है, जो फैट बॉय कस्टम का हैंडल बार है उसको लगा लिया है, जो लास्ट मेरा डोमिनार में लगा हुआ था। ये देखिए अब ये फाइनल लुक है हमारी बाइक का, और कम से कम ये 6 inch बाइक जो हैंडल है वो राइज हो चुका है। और इसमें क्या चेंज हुआ है, ये क्लच वायर चेंज हुई है, और ये जो ब्रेक वायर है इसको पहले पीछे आती थी, ये लूज़ करने के लिए ये हमें यहाँ से निकालनी पड़ी है, बस ये दो चीज़ चेंज की गई है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। और कोई भी आपको क्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो, और इसका रिव्यू तो मैं बाद में दूँगा आपको,
जब तक मैं थोड़ा चला नहीं लेता तब तक इसका कुछ मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि सैडल करने में बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी ऊँचे हो चुके हैं, नहीं तो पहले तो काफ़ी झुकना पड़ता था। तो कोई भी क्वारी हो तो मुझे आप इंस्टा मेरे हैंडल पे मैसेज करें, जाट ऑन व्हील मेरा इंस्टा हैंडल है। और अंत में दोस्तों, राइड हार्ड राइड से वंदे मातरम, जय हिंद सायोनारा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, सब बाय बाय।